वहाँ शोरूम खोल रही है क्या जूतों का? पापा 4 दिन का ट्रिप है, 4 दिन में हर दिन फोटो खींचेगी, मेरी तो अलग अलग जूते नहीं होने चाहिए। हाँ दो गई भाई तुम्हारी तो, तुम शिमला जा रहे हो या अमेरिका जा रहे हो? ये क्या कर रही है, बार बार टच में कपड़े डाल रही है निकाल रही है, डाल रही है निकाल रही है, इनको पैक करके छुट्टी कर। और एक बार दिखा तो दे तू लेके क्या क्या जा रही है। देख तो, और मैं सारे खोलूं। एक तो मैंने ये रखी है डेनिम जैकेट जो मैंने नई खरीदी थी, मैंने खरीदी शिमला के लिए थी, पर मैंने पहन के कर दी है पुरानी। तो ये देखो, ये मेरी है एक पूरी है डेनिम की जैकेट। अब मैं सोच रही हूं कि डेनिम की जैकेट तो हो गई है, पर मैं अंदर क्या दीक्षा डेनिम जैकेट, ठंड रुक जाएगी, शिमला में कितनी बर्फ पड़ रही है। दीक्षा मुझको एक कुर्ती खरीदी, तूने खरीदने नहीं दी मेरे को, प्राइस मुझे कुर्ती नहीं लेने दी। क्रिसमस वाले डे पे ये येलो ये पहनूं? क्रिसमस में लोग रेड पहनते हैं। हाँ तो दिखा दो जी, मेरे पास तो कुछ रेड ही नहीं है। ये पहनने के बाद मैं पहनूं उसमें ये रेड, ओ तो ये मेरे हो गए 2 जोड़ी कपड़े, ठीक है। अब एक जैकेट मेरे पास ये है और साथ में मेरे पास है व्हाइट, ये मैं सोच रही हूँ व्हाइट ये तो मैं ऐसे ही पहनूंगी, इतनी ठंड में ऐसे ही पहनूंगी, ठीक है। तो ये मेरे हो गए कितने हो गए, ये मेरा हो गया 3रा जोड़ी। अब मेरे को चौथे चाहिए इसके अंदर कुछ, जैकेट के अंदर, तो वो मेरे पास नहीं है, चौथा जोड़ी नहीं है मेरे पास। ये मैं रख रही हूँ थोड़ा सा नाइट के लिए, या बीच में मेरे कपड़े गीले भी हो गए, तो ये एक, ये देखो ये मैंने घर पहनी है, मैं सब शिमला के लिए लाई थी, पर मैंने सब पहन पहन के पुराने कर दिए, और अब मैं बार बार पैसे नहीं मांग सकती ना कि मुझे पैसे दो। ये मैंने सोचा कि मैं अपना जो मेरा जो व्हाइट स्वेटर पहनूंगी उसके, वैसे भी तुझे पता है बार बार पैसे मांगने से मिलेंगे तो है नहीं, तो मांगने से अपनी बेइज्जती करवा के क्या फायदा। ये मैंने सोचा है प्लाजो पहनूंगी मैं अपने व्हाइट के नीचे, और इसके नीचे पहनूंगी ताकि ठंड ना लगे। देखती है ना तेरे को नजर लग जाएगी, तो नजर लग जाएगी तेरे को, इतने जाम। ये भी हो गया मेरा ये, ठीक है। ये मैं रख रही हूँ एक हीटिंग पैड सबके लिए जो कि बहुत ज्यादा काम आएगा, तो ये मैंने रख दिया है यहाँ। ये मैं रख रही हूँ एक ब्लैक इनर अंदर पहनने के लिए जो कि होगी बहुत ही ज्यादा ठंड। ये मैं रख रही हूँ एक लोअर एक्स्ट्रा में, ठीक है। ये मैं रख रही हूँ टॉवल, वैसे तो गेस्ट हाउस में टॉवल मिलेंगे बट मैंने स्टिल टॉवल रख रही हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक ही हैंकी है, देख रहे हो कैसी हालत में, बहुत साल पुराना, तो मैं एक ही रख रही हूँ। दीक्षा मैंने रख ली है 4 हैंकी। और ये मैंने नए कुछ मास्क खरीदे हैं, तो वैसे तो मास्क आई डोंट थिंक सो कि वहां पे मास्क की नीड है, बट हम अपनी सेफ्टी के लिए पहनेंगे, तो ये मैं 2 मास्क लेके आई हूँ बॉडी केयर के, तो मैंने ये रख लिए खरीदे मैंने, तो मैं ये रख रही हूँ। इसके पैसे किसने दिए हैं? और मैं ये वाला बैग जो है, मैं ये वाला बैग कैरी करके लेके जाऊंगी, देखो ठीक है। सो ये वाला बैग मैं रास्ते के लिए लेके जाऊंगी, एंड प्लस ये मेरा कुछ कैमरा एक्सेसरीज है जो कि मैं DSLR लेके तो जा रही हूँ, बट जब DSLR लेके जाते हैं ना तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हो जाती है, मतलब इंजॉय नहीं कर पाते, बस DSLR को देखते रहते हैं, कुछ होना जाए कुछ होना जाए। तो ये मैं DSLR भी बीच में ही रख रही हूँ, कहीं भी मेरे को इसकी बैटरी चार्ज पे भी लगानी है, तो बैटरी चार्ज चूज करके मैं DSLR के मेरे पास 3 लेंस है, वाइड एंगल लेंस है, और एक मेरे पास प्राइम लेंस है, और एक मेरे पास टेलीफोटो लेंस है। हो गया अब तो ये मैं कैमरा भी रख रही हूँ, ये मेरा कैमरा आ गया बीच में। तो फ्रेंड्स इसकी हो गई है सारी पैकिंग, कुछ लेंसेस आ गए बीच में ताकि ये खराब ना हो, ये हो गया। व्हाट इज दिस, ये हो गया मेरा मफलर। अब मेरे बैग में बची है थोड़ी सी जगह, तो अभी मेरी जीन्स कहाँ है, और मेरी जीन्स वॉश हुई है तो गई, लेकिन बाहर सूख रही है, कल तक सूखेगी। यार मैंने इतने दिन पहले कपड़े दे दिए थे, मैं कैसे पैक करूँ यार, मेरा फोन कहाँ है, मेरे फोन में मैंने सारे नोट्स में सामान लिखा हुआ है अपना। दीक्षा हाँ, ये किसके कितने कपड़े रख रही हो, वहाँ बसने नहीं जा रहे, 2-3 दिन घूमने जा रहे हैं।
अरे ये मम्मी की है, तीन जोड़ी है, एक दो तीन। ले दीक्षा ये एक और रख दे। लो अभी कम पड़ गए, देखे एक और रख दे। अरे मेरे मेरे को किसी का साइज नहीं आएगा, अगर मैं भीग गई बुढ़ापे में, ठंड लग गई तो मैं क्या पहनूंगी वहाँ पे? किराए पे मिलते हैं वहाँ पे। तुम तो बिल्कुल एक पैसा भी नहीं देने वाले मेरे कपड़ों के लिए, कि मर रही है तो मरती रहे। ये भगवान, शिमला जा रहे हो या वहाँ बसने जा रहे हो? वो तो रूम में रखे रहेंगे, अटैचिया सर को उठा रहे हैं। रूम में रखने हैं तो फिर मतलब पहनेंगे हम लोग इसको, हर जगह थोड़ा ढोड़े फिरेंगे। तू रख दीक्षा मेरे कपड़े। मम्मी देखना, नाम तो मेरा बदनाम होगा कि दीक्षा की इतनी बड़ी अटैची। ना संदूक उठा लो अंदर से, एक संदूक ले ले बड़े वाला, ये कम पड़ रहा होगा। ले ले दीक्षा तू संदूक ले ले। ये क्या कर रही है जूतों का? अरे यार तीन जोड़ी जूते लेके चाहिए। भैया तुम तो यहीं रहो, वहाँ शोरूम खोल रही है क्या जूतों का? पापा चार दिन का ट्रिप है, चार दिन में हर दिन फोटो खींचेगी, मेरी तो अलग अलग जूते नहीं होने चाहिए। हाथ धोगी भाई तुम्हारी तो, तुम शिमला जा रहे हो या अमरीका जा रहे हो? अमरीका में भी चार जोड़ी जूते ले जाने की जरूरत नहीं होती क्या? दीक्षा मेरे को डायलॉग मारे, खुद का देखा कितना सामान है। मम्मी तुम्हारे चक्रों में हुआ है मेरा सामान। नहीं चार जोड़ी कम पड़े हो ना तो शोरूम खरीद ला यहाँ से। नहीं बस चार दिन के लिए। सारे माँ के लखन आ गए सारे, एक भी लखन नहीं है डंका। चार दिन के लिए चार जोड़ी भते यार पापा, ये बर्फ में पहनने के हैं मेरे। ये बात तो सब बता देंगे कि माँ के लखन ढंग के हैं या नहीं है। सामान दिखा रही हूँ कि मैं क्या क्या लेके। अरे मेकअप किट नहीं, उससे पहले अपना बैग तो दिखाओ। अरे दीक्षा अगर बैग खुल गया तो वो वापस से पैक नहीं होगा। मम्मी आपको इतना बड़ा बैग दे दिया, ऊपर से आपकी तीन जैकेट मैंने रखी है अपने बैग में। दीक्षा देख मेरा बुढ़ापे का शरीर है नोनू, अगर मुझे ठंड लग गई तो मेरे को तो किसी के कपड़े भी नहीं आएंगे। तू तो अनायका के भी पहन लेगी, मैं किसके पहनूंगी? नोनू चलो अब यही दिखा दो फिर मैं क्या बोलूं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मेरी मेकअप किट जो कि मैं हर जगह यही मेकअप किट लेके जाती हूँ। और ये देखिए कितनी बड़ी किट है, और ये मैंने आज से 20 से 22 साल पहले खरीदी थी जो कि मेरी अभी तक चल रही है। ये तीन का सेट लिया था हमने, मतलब आपने अपनी शादी के टाइम में खरीदी थी? शादी के बाद, मेरे ब्रदर की शादी थी तो हमने तीन का सेट लिया था। तो एक इसमें से हमने भाभी को मेकअप किट में दे दी थी, और एक मैंने ले ली थी, एक मेरी बड़ी सिस्टर ने ले ली थी, तो तब की है ये। और मेरे बहुत ही ज्यादा यूज में आती है। इसमें तो मेरे सारे कपड़े ही आ जाएंगे मम्मी। तेरे तो आ जाएंगे, मेरा तो मेकअप का सामान ही नहीं आएगा इसमें बेटा। फ्रेंड्स स्वीट मॉम के तीन बैग हो चुके हैं पक्के, एक तो कपड़ों का ठीक है, ऊपर से आधे मेरे आधे बैग में इनकी जैकेट्स हैं, फिर ये मेकअप किट एक अलग से, उसके बाद एक ग्रीन बैग आपको पीछे शायद थोड़ा सा दिख रहा होगा, एक वो भी है। तो फ्रेंड्स मैं दिखाती हूँ आपको सामान, इसको तो बोल ले दो। तो फ्रेंड्स ये रखिए, मैंने कुछ मास्क क्योंकि ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं और हम काफी सारे मेंबर जा रहे हैं तो और हमें नहीं पता कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है, तो ये किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, तो मैं इसको रख रही हूँ यहाँ आगे फ्रंट में। और फ्रेंड्स इसके साथ ही ये देखिए, सबसे पहले मैं दिखाती हूँ दीक्षा जी के परफ्यूम, नहीं पहले ये दिखाती हूँ, ये देखिए दीक्षा जी के नेक पीस। बताओ सर्दी में कोट पे इन झांकलों की क्या जरूरत है, पर ये पहनेंगी ये झांकले। मम्मी कानों वानों के तो मैं पहनती नहीं, बट हाँ नेक पीस जरूर पहनूंगी, मैंने ऐसा सोचा। फ्रेंड्स के साथ ही देखिए ये दीक्षा जी के हैं तीन परफ्यूम, सारे दीक्षा जी के हैं ये देखिए। मम्मी परफ्यूम्स का आपको पता है मेरे को बहुत शौक है, मैं सोचती थी और रख लूं। तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये भी मेरे किट में है, तो आप बताइए किट बड़ी सामान आएगा या क्या होगा फिर उस किट का। और ये रखे मैंने चार गॉगल, 1 2 3 4 चार किसके? फ्रेंड्स इसलिए रखे हैं चार गॉगल क्योंकि क्या है, केयरलेस बच्चे हैं सारे जा रहे हैं, किसी ने नहीं रखा होगा तो मैं दे दूंगी यूज करने के लिए। माँ माँ होती है, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो सबका सोचना पड़ेगा ना। एक फ्रेंड्स सैनिटाइजर मैंने अपने पर्स में रखा है और एक मैं रख रही हूँ किट में कि हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो। और इसके साथ ही ये देखिए दीक्षा जी ने लिए ये दो झकोले, रबड़ लिए लगाने वाटर से झकोले। और फ्रेंड्स ये मैंने एक लिया है, वैसे तो ये मेरे यूज नहीं आएगा क्योंकि कोट जैकेट में कोई नजर नहीं आएगा, पर फिर भी चलो मैंने कहा ले लेती हूँ। और ये तीन लिए हैं मैंने बनाना क्लिप, क्योंकि मेरा बनाना क्लिप खराब हो चुका है, वैसे मैं एक ही यूज करती हूँ, पर कई बार क्या होता है बाहर गए टूट गया कहीं नहीं मिला तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए मैंने ये तीन बनाना क्लिप लिए हैं। और फ्रेंड्स ये दीक्षा जी का काजल फेवरेट जो कि यही यूज करती हैं, तो ये नया काजल लेके जा रही है, कह रही है पुराने में घर पे छोड़ के जाऊंगी। तो आप ये बताइए सामान किसका है इसके अंदर सारा, आप खुद देख सकते हैं।
और फ्रेंड्स हम अपने टूथब्रश लेके जाएंगे, लेकिन ये मैंने एक्स्ट्रा में रखे हैं नए, ताकि कोई बच्चा ना लाए या किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं ये दे सकूं। वैसे हम अपने अपने टूथब्रश लेके जाएंगे, तो ये नए पैकिंग रखी है मैंने। और इसके साथ ये देखिए, ये मैंने किट बनाई है, तो इस कट के अंदर देखिए फ्रेंड्स, अगेन ये दीक्षा गोयल जी के लिए, और फ्रेंड्स ये अगेन दीक्षा गोयल जी के लिए, मैं वीडियो बंद कर रही हूं, और ये अगेन दीक्षा गोयल जी के लिए, सॉरी टू से पर मैं अगेन दीक्षा गोयल जी के लिए, मम्मी अब तो आप ज्यादा अगेन दीक्षा गोयल जी के लिए जान पूछ के। फ्रेंड्स ये मैंने बॉडी वॉश, फेस वॉश, नारियल तेल और ये पेस्ट रखा है, और ये मैंने बॉडी वॉश 3-4 रख लिए हैं। ये किट हमने अपनी शॉप से ही ली थी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है 3-4 रूम है, काफी सारे लोग हैं, कोई बच्चा नहीं लाया तो उनको एक एक दे दूंगी सबके बाथरूम में रखने के लिए, इसलिए मैं 3-4 ले जा रही हूँ ये। और इसके अंदर मैं ले जा रही हूँ शैम्पू, कपड़े कुपड़े दिखाए नहीं आप तो पूरी वीडियो इसी में कर दोगे। और फ्रेंड्स साथ में ले जा रही हूँ मैं बहुत सारे शैम्पू के पाउच भी। अरे दीक्षा बच्चों का सोचना पड़ेगा, बच्चे जा रहे हैं तो उनकी जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर ही है ना। और फ्रेंड्स के साथ ही ये रख लिया मैंने छोटा सा बिंदी का पत्ता, आगे आगे जल्दी जल्दी। और ये फ्रेंड्स ये देखिए किट, ये मेरी सबसे बढ़िया किट है, ये देखिए ये इसके अंदर देखिए, ये तो वही है क्या जो हमारी अलमारी के साइड। दीक्षा का मस्कारा, दीक्षा का आईलाइनर, दीक्षा की लिपस्टिक, जानबूझ के दीक्षा का ये ब्लशर, प्लशर पता नहीं मुझे तो पता भी नहीं क्या क्या होता है, ये देखिए फ्रेंड्स। मम्मी यार लिपस्टिक मेरे को ट्राई करनी थी अभी घर पे। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये दीक्षा का हेयर सीरम, ये दो लिपस्टिक बेचारी नन्नू सी मेरी है, अपना सब नन्नू है। और ये देखिए ये लूज पाउडर मेरा है, वैसे तो मैं मेकअप ज्यादा लगाती नहीं हूँ, आप लोगों ने मुझे मेकअप में देखा नहीं होगा। और ये देखिए ये मेरे हैं शिमरिंग पाउडर, ये बहुत ज्यादा मेरा फेवरेट है। और ये मेरे वो है ब्रॉन्जिंग पल्स, इससे बहुत अच्छा ग्लो आता है। ब्रॉन्जिंग पल्स, ओह माय गॉड। और ये मेरी है वो ब्लशर किट, मैं कोई और कलर की नहीं लगाती तो इसलिए मैं यही कलर लगाती हूँ। मम्मी बस इसको एंड करो, रुक जाना, पूरी दिखाने तो दे सबको, कोई जाएगा तो क्या क्या लेके जाना है। ये मेरा मेकअप ब्रश है फ्रेंड्स, ये पीच में, इसके लगाने का मुझे कोई मेकअप की जरूरत नहीं। अरे मेरी पीच भी रख ली मेरी व्हाइट वाली, वो नहीं है शायद इसमें, वो तेरे को बोला था रखने के लिए। ये मेरी लिक्विड लिपस्टिक है फ्रेंड्स, और ये मेरे लिप लाइनर्स हैं। रुको मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, मेरी पीच भी कहाँ है। एक्स्ट्रा बैग ले जा रही हूँ मैं, मम्मी ये तो मैं भी लेके जा रही हूँ। ये मैं ये जो नीचे जिप है इसके अंदर रख रही हूँ मम्मी, इट्स जिप, जिप तो फ्रेंड्स इसके अंदर रख के जा रही हूँ मैं। कुछ एक्स्ट्रा बच्चे हैं, कुछ गीले सूखे कपड़े रखने हो तो, क्योंकि आपको तो पता है सारे बच्चे केयरलेस हैं। मम्मी मैं केयरलेस नहीं हूँ। अरे तो खुली नहीं रही, कैसे जाम हो गई, बेकार है ना टर्ची। दीक्षा 20 साल हो गए, 22 साल 20 साल पुरानी है, तो ऐसे बुराई मत कर। कहाँ गई इसकी चेन, नहीं खुल रही। मम्मी इसको बाद में खोल, पहले ये सामान रख लो। चलो फ्रेंड्स ये रख लू मैं सामान, फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ अपना हैंड बैग। ये देखिए ये फ्रेंड्स, आप जैसे आपको पता है कि मैं हैंडबैग भी सेल करती हूँ, ये मैंने अपने सामान में से लिया है। और इसका अभी हमारे पास पीस अवेलेबल है पर्पल कलर में, अगर आप चाहें तो पर्पल में, ग्रीन हमने ले लिया, सुंदर है। लेकिन मुझे पंडित जी ने कहा था कि ग्रीन कलर हाथ में रखना है, तो इसलिए मैंने ये ग्रीन वाला ले लिया। तो ये हमने चुटर बुटर, हम कहीं पे भी जाएंगे तो ये हमारे पास एक बैग होना चाहिए जिसमें हम अपने गॉगल्स वगैरह रास्ते में रख लें। तो चलिए फ्रेंड मैं दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। अभी इसके अंदर भी दिखाना है क्या है? हाँ अभी ये तो रख दूँ। अयो रब्बा, ये है मैंने एक बैग जो कि मुझे ही कैरी करना पड़ेगा, ये देखिए। नहीं मम्मी मैं भी कर लूंगी, देखेंगे टाइम बताएगा, कह देगी मैं अपना बैग क्यों कैरी करूँ या तुम्हारा, फोटो खिंचवाने के लिए तो कर ही लूंगी, बहुत महान काम करेगी। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा गॉगल इसके अंदर, वो जो कि एक्स्ट्रा में है, जो कि आपके बच्चों ने मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। जैसे एक बार और लगा के दिखा दो, शिमला में पुराना नहीं कर रही। फ्रेंड्स वैसे ये शिमला की वीडियो में ना आपके कभी किसी की आंख पे दिखेगा, कभी किसी की आंख पे दिखेगा नहीं। मम्मी मैंने मेरा तो नंबर वाले बना हुआ है, मैंने तो पर्स लिया है, इसके अंदर मैंने कुछ पैसे रखे। ये पर्स भी अवेलेबल है हमारे पास फ्रेंड्स, ये पर्स भी हमारे पास अवेलेबल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फ्रेंड्स ये लिया मैंने थोड़ी सी पेपर सोप रास्ते में, फ्रेंड्स ये मैंने रास्ते में पहुंची सुसु। हाँ ये मैंने कार्ड होल्डर लिया है हमारे पास, ये भी अवेलेबल है, आप चाहें तो ये देखिए मैंने कार्ड्स रखे इसके अंदर अपने। आप अपनी प्रमोशन कर रहे हैं या आप सामान दिखा रहे हैं? फ्रेंड्स ये मैंने कुछ आईडीज ली हैं सबकी, कभी जरूरत कोई नीड पड़ जाए आईडीज की। और इसके साथ ही ये लोग रख रहे हैं अपने लिए ताश खेलने के लिए, ये बच्चे खेलेंगे। और फ्रेंड्स इसके साथ ही मैं ये कैरी करूंगी बैग के अंदर ही, बाय चांस मेरे को जो ठंड लगे पहनना है या रखना है, तो ये मैंने खुद बनाई थी कैप, वो ली है मैंने। और ये लिए हैं फ्रेंड्स मैंने ग्लव्स,
और इसके साथ ही आपने देखा होगा ये मैंने ईयर के लिए जो मेरे बच्चों ने गिफ्ट करा था मेरे को, तो मैंने ये भी रखा है पहनने के शिमला में। ये देखिए खरगोश वाला, तो ये सब है मेरे बैग के अंदर, क्योंकि ये मेरे को कभी भी जरूरत पड़ सकती है लगाने की या रखने की, तो इसको मैं अपने बैग के अंदर रख दूंगी। और बाकी हम जैसे गॉगल्स वगैरह हम भी तो अपने रखेंगे ना जब हम बाहर जाएंगे, तो ये चार ग्रीन बैग काम आएगा। मेरे में रखोगे? अरे जब हम जैसे ऊपर गए कुफरी वगैरह, तो गए तो जाओ। मैं क्यों रखूं? छोटा सा पाउच दिया मैंने पर्स में रखने के लिए, इसके अंदर मैंने एक सैनिटाइजर अलग से रखा है, और मैंने कुछ ये वॉमिट और उसकी गैस की टेबलेट रखी है क्योंकि सफर में कई बार दिक्कत हो जाती है, और ये रखा है मैंने एक्स्ट्रा के कुछ मास्क अपने पर्स के अंदर। मास्क आपने बोला मास्क, ठीक है फ्रेंड, मास्क मॉम। और मैं देखूंगी मुझे पर्स में क्या कैरी करना है, तो फ्रेंड्स यही है मेरा सामान। एंड आपकी वॉच? वो तो मैं पहन के जाऊंगी, बाय चांस भूल गए? कोई बात नहीं, भूल गई तो भूल गई, वॉच को क्या, सबने भाई मेरे इंतजार में बैठे हैं कि राखी गोयल आएगी तो टाइम बताएगी, वो दुनिया की जिंदगी नहीं चल रही मेरे टाइम बताए बिना, है मैं ही जाके टाइम बताऊंगी सबको। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी पैकिंग, हमने कुछ मतलब काफी चीजें हैं जो हमने पर्सनल चीजें नहीं दिखाई, बट काफी चीजें हैं जो हमने दिखाई हैं। सो यही है हमारी पैकिंग, और सो लेट्स गो।